Hello, dear students. Am I audible? Am I clearly visible? Say hello. Okay. जैसा कि आपने देखा MIQ सीरीज ओवर हो चुका है और MIQ सीरीज ओवर हो चुका है और हम लोग PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे जो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा उस पर हम चर्चा कर लें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MIQ सीरीज वी आर इन स्टेज टू इंट्रोड्यूस PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास की टाइमिंग होगी वो आपकी ऐसे रखेंगे, आपकी 5:30 इवनिंग में, जो आपकी क्लास की टाइमिंग रखेंगे 5:30 onwards साढ़े पांच बजे के बाद रखेंगे। ठीक, ये सेशन होगा PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, प्लस रैपिड फायर, यानी आपको हम तेजी से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से एक ऑप्शन जो सही है वो सही क्यों है, तीन जो गलत हैं वो गलत क्यों है, उनमें क्या है जिनके कारण गलत है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद हम क्या करेंगे, सेशन जब खत्म करेंगे तो उसमें रैपिड फायर में हम दो चीजें करेंगे। सबसे पहले आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर देंगे। उसके बाद इस रैपिड फायर की सबसे बड़ी यूएसपी ये होगा, मतलब फाइव मिनट फॉर वन चैप्टर। एक चैप्टर में पूरा एक्स वाई जेड 5 मिनट के अंदर बोल दूंगा। जो पहले के बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि पूरा एक चैप्टर 5 मिनट, 4.5 मिनट, 3.5 मिनट ऐसे लगता है। तो जो हम लोगों का जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा कि 5:30 PM अनवर्ड से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। और ये जो PYQs होंगे बेटा वो यूनिट वाइज होंगे, यूनिट वाइज यानी आपका हर यूनिट का होगा, जैसे 12th NCERT का पहला यूनिट, फिर दूसरा यूनिट, ऐसे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें PYQs में NCERT की सारी लाइन कवर होगी, प्लस NCERT की लाइन के साथ साथ पिछले 13 ईयर में 13 साल के अंदर जो भी नीट में सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल होंगे। उन सवालों को तो हम करेंगे ही, उन सवालों के दाएं बाएं सब कुछ होगा। तो इसीलिए आप सारे लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि जितने लोग भी एक्टिव हैं और सीरियस हैं अपने सक्सेस को लेके, यानी वो जीवन में वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एक PYQs की कल ही एक कॉपी खरीद लीजिएगा। और इसकी टाइमिंग चेंज नहीं होगी, 5:30 PM ऑनवर्ड ही होगी इवनिंग में। और ये जो सेशन होगा वो पहले से ही सुनियोजित होगा कि किस डेट को क्या होगा। हमने कहा आपका जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल ये कम्युनिटी में पोस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो हालात है अभी, सबसे सेफ हालात आप देखेंगे ये 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर के आसपास तक सेफ है। तो आपका एग्जाम देखिए ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कराने की बहुत ज्यादा संभावना है। हो सकता है कि ये JEE पहले स्टार्ट कर दें। जैसे ही JEE का एग्जाम का शेड्यूल आता है हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि नीट का क्या पैटर्न वो रखेंगे, क्योंकि JEE और नीट दोनों आगे पीछे होना है। पहले वो JEE का कराएंगे फिर वो नीट का कराएंगे। 1-2 दिन में ये डेट वाकई में आ ही जाएगी कि वो डेट 5 सितंबर है या 13 सितंबर है कि 16 सितंबर है, वो तो बात की बात है। अभी जो अपना प्लान ऑफ एक्शन है कि हम 1 जुलाई से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MIQ सीरीज सक्सेसफुली हम लोगों ने खत्म कर लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट 2021 हमने खत्म कर लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे अलोंग विद द लाइंस ऑफ
एनसीईआरटी, ये अपना प्लान ऑफ एक्शन है। तो 1 जुलाई को हम 12th एनसीईआरटी का पहला यूनिट लेके आएंगे, उसके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और हम पूरे 12th एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उसको शॉर्ट में पूरा हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, ताकि बेहतर तरीके से आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को निम्स ऐप में क्वेश्चन पोस्ट करिए। कहां? चैट बॉक्स में। जो निम्स ऐप का चैट बॉक्स है, उस निम्स ऐप में गूगल नहीं डाउनलोड किए हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द लोग डाउनलोड कर चुके हैं। चैट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिएगा और आपको हम वहीं पे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। यशस्वी वर्मा, 1 अगस्त को नहीं होगा पेपर, 1 अगस्त पे करा ही नहीं पाएंगे, बहुत कम समय है। ठीक है, ऑनलाइन कराना होता तो करा लेते, ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन में सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, स्कूल बंद है, उससे क्या हुआ, पेपर पहुंचाना, सेंटर हेड अलॉट करना, अगर ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, है ना। हाँ, सितंबर में ही होगा एग्जाम, देख लीजिएगा। अब ऐसे क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने, आप देखिए ना, हम लोगों ने MIQ सीरीज में पूरा 11th भी कर लिया, 12th भी कर लिया, तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आपका तो खत्म ही हो गया है। फिकर तो वो करें जो बैठे हुए थे कि डेट पड़ेगी तो हम करेंगे, है ना। चलिए, तो अब एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, 1-2 बच्चे, सर देव चौधरी सर, वीक या लास्ट सितंबर में, फर्स्ट वीक या लास्ट सितंबर नहीं जाएगा बेटा, लास्ट सितंबर में दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लो डेल्टा प्लस वेव अगर आ गए तो दिक्कत होगा, इसीलिए ये रिस्क नहीं लेंगे, ये जल्दी से कर। इनके ऊपर भी प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रेशर होगा, इनके ऊपर भी कोचिंग का प्रेशर होगा, है ना, तो ये करा ले जाएंगे। केमिस्ट्री का कुछ ऐसा ही करिए सर, केमिस्ट्री का बेटा पहले हम बायो का कर लें, ठीक है, और केमिस्ट्री में हमने तो सारे बच्चों को बोल रखा है कि आप सब लोग सेल्फ नोट्स बनाते जाइए एनसीआर। देखिए, आप हमारी बात सुनेंगे, हम इधर इधर आइए, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे दे, जरा इधर आइए। देखिए, हम आपको पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, हफ्ते भर रिटेन कर पाएंगे, ठीक, बहुत अच्छी आपकी मेमोरी है, महीने भर रिटेन कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो इस कान से आएगा, इस कान से निकल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वो चीजें हमेशा के लिए ब्रेन में बस जाएं, तो आपको माइंड मैप बनाना पड़ेगा। ये माइंड मैप क्या होता है, जो आप पढ़ते हैं उसके पीछे के एक दिमाग में वेब बुनते हैं। किसी का माइंड मैप सुन के बनता है, ऐसे लोग कम होते हैं, बट ज्यादातर लोगों का जो माइंड मैप बनता है वो चीजों को समझ के बनता है और इमेजिन करके बनता है। तो आप जो चैप्टर पढ़ा करिए उसमें इमेजिनेशन डेवलप करा करिए, जब आप पढ़ेंगे इमेजिनेशन डेवलप करेंगे तो आपकी सब्जेक्ट के प्रति पकड़ हो जाएगी और आप बहुत लंबे समय तक चीजों को रिटेन कर पाएंगे, समझिए। तो आप याद रखिए, 1 जुलाई को जब हम आएंगे तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एनसीईआरटी की सारी लाइन पहले यूनिट की 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, है ना। जयंता सिंह राजपूत सर, मैंने बना लिया है सब चैप्टर का शॉर्ट नोट फ्रॉम एनसीईआरटी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बस रोज रोज रिवीजन करता हूं अब। हाँ बेटा, यही राइट स्ट्रेटजी है, अगर किसी भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं तो खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए और उस सेल्फ नोट्स को बार बार देखिए, बार बार देखिए। ये नहीं कि आज ये YouTube चैनल खोले, कल वो खोले, कर ये खोले, फिर चैनल घूमते घूमते पता चला नीट का डेट ही घूम जाएगा। तो आप जो भी सेल्फ नोट्स बनाए हैं उस पे ज्यादा ज्यादा समय दीजिए। आप ये भी तो देखिए, हम क्लासेस भी बहुत कम लेते हैं ताकि आपको पूरा समय देते हैं पढ़ने के लिए। तो जितने लोग केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जब शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे बाद में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। चलिए, सितंबर में 3rd वेव, बेटा तो ये अगस्त में कराई, इनको तो कराना तो चाहिए था अगस्त में, अब अगस्त में कहां से करा पाएंगे, टाइम ही नहीं है इनको, इनको नहीं हो पाएगा भाई अगस्त में, एकदम नहीं हो पाएगा, मतलब ये शाम दाम दंड वेद लगा दे तो भी नहीं करा पाएंगे भैया, ऑल इंडिया लेवल है, इतने स्टेट है ना।
तो मान के चलिए सितंबर फर्स्ट वीक, कौन सा यूनिट बेटा, ट्वेल्थ का पहला, आप वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, ट्वेल्थ एनसीईआरटी का पहला यूनिट है ना। हाँ, क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा। हाँ, और अच्छा आप बेहतर तब कर सकते हैं जब एमआईक्यू सीरीज या वन लाइनर क्वेश्चंस जितने भी हैं अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। सर कल टाइमिंग क्या होगी? बेटा 1 जुलाई को हम लेके आएंगे पीवाईक्यूज, सेशन स्टार्ट करते हैं से पहले हमने बोला था अगर कुछ क्वेश्चन किसी का हो तो सारे क्वेश्चन आईजीटी आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दीजिएगा, तो हम आपको जवाब भी दे देंगे। तो आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पेस्ट नहीं किया, अंकुश कहां गया? अंकुश जो जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछे थे वो पेस्ट कर दो, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा केवल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन निकलेगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे आप। चलिए बेटा कल क्लास नहीं होगी, क्लास जो है 1 जुलाई की होगी हमारी, 1 जुलाई शाम में 5:30 बजे 5:30। सर मैंने पूछा था जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस, तो पेडिग्री एनालिसिस क्वेश्चन है, वो तो टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो क्लास में पढ़े हैं बच्चे जरा बता दे, 1 सेकंड लगता है निकालने में, क्वेश्चन कोई लेके आओ तुरंत दे दे। देखो चलो हम बता दे रहे, पेडिग्री का ट्रिक जानना चाहते हैं, मात्र 5 मिनट लगेगा पेडिग्री का ट्रिक, कोई भी सवाल लग जाएगा बता दे, बताइए। एमएस कह रहे हैं यस, और कोई? अंजलि कमल यस, आपका ऑफिस ऑफ है, बुक्स के लिए गया था विकास, ऑफ है निम्स। विकास फोन पे बात करना, मैं अरेंज करा दूंगा। विकास मौर्य फोन पे बात करना मुझसे, मैं अरेंज करा दूंगा, ठीक है? क्लास के बाद फोन पे बात कर लेना। चलिए तो पेडिग्री का एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, शॉर्ट नहीं शॉर्टम शॉर्ट, बहुत तेज। और सुनिए इस ट्रिक का एप्लीकेशन आप नीट के जितने आए हुए सवाल हैं और जितने भारत के रेप्यूटेड कोचिंग्स हैं, रेप्यूटेड कोचिंग से मेरा मतलब जो देश भर में चलाते हैं, यानी उनके पास जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तो क्वेश्चन वो सही बनाते हैं, ठीक है? तो वो सारे सवाल आपके निकल जाएंगे, चाहे वो नीट यूजी के हो या नीट पीजी के हो, चाहे वो INICT का एग्जाम हो, एम्स का, जिपमर का, यूजी से लेके पीजी तक और पीजी से लेके डॉक्टरेट तक। सिर्फ एक ही फंडा लगता है पेडिग्री में, वो फंडा क्या है जरा देख लो, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। देखिए हमने कहा कि सबसे पहले देखिए, हमने कहा पेडिग्री एनालिसिस में सिर्फ 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पेडिग्री देख के आपको बताना होता है कि पेडिग्री ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल, ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल। सबसे पहला अगर कोई पेडिग्री देगा या कोई डिजीज दे दिया और वो तुमसे पूछेगा कि देख के बताओ ये ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल है, अगर आपने बता दिया ये ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल है, तो वो आपसे पूछता है कि ये बताओ कि वो पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अच्छा आप एकदम ध्यान से फोकस मत हटाइएगा, दुनिया की कोई भी पेडिग्री आप चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, समझिए। तो पहला सवाल आ गया कि देख के बताना ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोमल है, दूसरा सवाल वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तीसरा सवाल वो बीमारी का नाम जोड़ देगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है या सिकल सेल एनीमिया है, मतलब डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और समझना। और फंडा नंबर 1, आपके पास मैक्सिमम 36 सेकंड होते हैं सॉल्व करने के लिए, 36 सेकंड में जो पेडिग्री का जनरल रूल होता है हिट एंड ट्राई,
एक एक करके, उतना टाइम नहीं है। वो ट्वेल्थ के बच्चे करते हैं और हिट एंड ट्राई में अगर थोड़ा सा भी गलत ट्राई किया तो आपका समय चला जाएगा, आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे और क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कतई रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मेरा स्पेशल फंडा लगाना चाहिए क्रिस क्रॉस। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्रिस क्रॉस, अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्लस यानी हो रहा है क्रिस क्रॉस, तो चिल्ला के डंके की चोट पे कह सकते हो कि पेडिग्री सेक्स क्रोमोसोमल है। अगर क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है तो पेडिग्री ऑटोसोमल है। समझिए बात को, अगर क्रिस क्रॉस हो रहा है तो सेक्स क्रोमोसोमल है, अगर नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल है। ये अगर हमने कहा क्रिस क्रॉस एब्सेंट तो ऑटोसोमल, ये देखने में आपका केवल 1 से 2 सेकेंड लगेगा। अब कैसे पता क्रिस क्रॉस हो रहा है? हमने कहा अगर मां से बीमारी बेटे में जा रही है, सन में, समझना। तुम ऐसे देखो, लड़के जितने होते हैं मम्मी लोगों के ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, और मां का दिल सारे बच्चों के लिए एक से एक ही जैसा होता है, क्योंकि मां तो मां होती है, समझना। ये लड़के कभी नहीं समझ सकते क्योंकि वो मां कभी नहीं बन सकते। ऐसा है, मैं ये तुमसे कहना चाह रहा हूं, अगर मां बीमार है तो सारे बेटे बीमार होंगे। ये नहीं कि अगर 4 बेटे हैं तो 1 बीमार है और 3 बीमार नहीं होंगे। वहां पे कोई भी जनरल ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण नहीं होता है। अगर मां बीमार तो चिल्ला के कहोगे सारे बेटे बीमार। ठीक उसी तरह से अगर हम कहें अगर पापा बीमार यानी फादर बीमार, हमने कहा फादर बीमार, अगर हमने कहा मदर बीमार, समझना, अगर मां बीमार मदर बीमार तो सारे बेटे बीमार होंगे, अगर फादर बीमार तो सारी डॉटर बीमार होंगी, समझना। अगर सारी डॉटर बीमार है, समझना, इसका मतलब फादर बीमार होगा, या फादर बीमार है तो सारी डॉटर बीमार होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज हो रही है तो क्रिस क्रॉस हो रहा है। अगर क्रिस क्रॉस हो रहा है तो क्या है? सेक्स क्रोमोसोमल। अगर नहीं है तो ऑटोसोमल, समझिए। अब दूसरी चीज, जनरली डॉटर में जो बीमारी होती है वो रेयर होती है किसी भी बीमारी से। आप अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको हमने माइक्यू सीरीज में क्या कहा था कि कलर ब्लाइंडनेस में कलर ब्लाइंड मेल का परसेंटेज कितना था, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड मेल। व्हाट इज द परसेंटेज? ये देखो एमएस, अरे उल्लू हो क्या, 50 पर बहुत मारेंगे। निधि 8%, उमेश शर्मा 8%। अच्छा देखो कोई कंपटीशन नहीं है बेटा, जो सीरियस लोग हैं देखो कैसे गलत कर रहे हैं, 8%। अच्छा फीमेल का परसेंटेज बता दो। चलो भाई हर्षित ज्योति मुस्कान, फीमेल का परसेंटेज बता दो, फीमेल का, ठीक है 8% मेल का है और फीमेल का बता दो। रितेश आहान, कीर्ति कृष्णा, आरती, देखो अंजलि कमल का आंसर पहले आया, निधि वर्मा का 0.4 है, ये 4 लोग बता रहे हैं बेटा, 0.4 है, 1 भी नहीं है। यानी एक बात तो तुम कह सकते हो कि जनरली फीमेल बीमार नहीं होती है। यानी अगर तुम्हें अगर कोई भी बीमारी फीमेल में दिख रही है मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो डोमिनेंट है। ध्यान रखना, अगर F2 जनरेशन में बीमारी अगर बेटी में दिखे चिल्ला के ठोक देना डोमिनेंट। जनरली बेटियां, तुम ऐसे में देखो लड़कियां कितनी डोमिनेंट होती हैं यार, जिद्दी होती हैं। यानी अगर बेटी में दिखा तो तुम चिल्ला के मारोगे डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि जनरली ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं रेसेसिव होती हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर रेसेसिव। डोमिनेंट बीमारियां रेयर होती हैं, कम होती हैं। आप खुद देख लीजिए, एक बीमारी का केस दिए है, आप किसी भी बीमारी में देख लो डॉटर में जो संभावना होगी वो कम होगी। हाँ लेकिन बीमारी अगर फिर भी डॉटर में दिख रही है इसका मतलब वो बीमारी डोमिनेंट होगी, अदरवाइज दिखती नहीं, समझना। और केवल बेटे में दिख रहा है बेटे में तो रिसेसिव है। और तुमको कुछ पेडिग्री ऐसी मिलेंगी जिसमें बेटा बेटी दोनों बीमार है। अगर दोनों बीमार है तो आप देखो मोस्ट प्रोजेनी बीमार है तो डोमिनेंट है, और सम प्रोजेनी बीमार है तो क्या है? सम प्रोजेनी बीमार है तो क्या है? रिसेसिव है। और आइए एक सेकंड में इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अच्छा कुछ बच्चे इसको याद करेंगे, यार याद मत करो, चीजों को फील कर लो, इस जन्म भर के लिए भूलना ही भूल जाओगे। देखो हमने क्या कहा,
आपको पेडिग्री देख के पूछेगा कि बताओ ये पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर तुमने बता दिया डोमिनेंट है रिसेसिव है तो पूछेगा कि क्या है, ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक है। तो हमने कहा आपसे कि तुमको ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है ये अगर देखना है तो तुमको बस एक छोटी सी चीज देखनी है, क्या, कि क्रिस क्रॉस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्रिस क्रॉस फॉलो हो रहा है तो बीमारी सेक्स लिंक है, अगर नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल है। और सुनो, बेस्ट रिजल्ट कभी भी लेटर जनरेशन में मिलता है। कभी भी पेडिग्री में तीन चार जनरेशन दिया हो तो लास्ट वाले जनरेशन में देखना। इसका क्या लॉजिक है जरा देखो। हमने कहा कि कैपिटल टी का क्रॉस कराओगे स्मॉल टी से, एफ1 में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसकी सेल्फिंग करा दोगे तो कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, और स्मॉल टी क्या है, एक दो दो एक, वन इज टू टू इज टू वन आ रहा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई भी जीनोटाइप पूरी तरह से कब दिखता है, समझना। अगर हमने कहा ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये प्योर है इम्प्योर, ये कभी भी F1 में नहीं पता चलेगा, F2 में पता चलेगा। तो इसीलिए डोमिनेंट और रिसेसिव ऑलवेज एंड ऑलवेज F1 में नहीं, किसमें चेक करते हैं, F2 में, है ना। अब आइए हम चेक कराते हैं, इधर आइए हम एक चीज आपको सिखाएं। इधर देखिए इस रूल का एप्लीकेशन देखिए। हमने कहा ये आइए कहां चले जाएं, ब्राउजर, ब्राउजर में गए हम, यहां पे हम टाइप करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, पी आर आई एन सी आई पी एल ई, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, 12th एन सी ई आर टी पी डी एफ, डाउनलोड हो जाए यार, एक बार डाउनलोड हो जाए तो दिखा दें। ये देखिए स्टार्टिंग डाउनलोड, अट्ठाईस पन्ने हैं। डाउनलोड सक्सेस, आ जाओ ये देखो। ईएमएस फाइल, अब जाएंगे डाउनलोड में, इंटरनल, इंटरनल ले गए डाउनलोड, डाउनलोड में आज की तारीख, कहाँ गया यार, ये है क्या, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये कहाँ गए, ये क्या आ रहा है यार, एक मिनट एक मिनट बस एक मिनट, 22 तारीख आज, 28 तारीख है, 22 18 12 चीज, ये है क्या, यही है, आ गया। देखिए बड़ा फोल्डर इसी डाउनलोड होने में समय लिया है, ये देखिए आपकी आंखों के सामने पेडिग्री आ गई। के पहले है ये,
बेटा ये दो पेडिग्री दी हुई है आपके बोर्ड पे, या तो ये पूछी जाती है या ये पूछी जाती है, या कोई भी पूछी जाए तरीका सिर्फ एक होता है। तो आप जब पेडिग्री लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। हमने कहा ये एक पेडिग्री दी हुई है और इस पेडिग्री को देख के पहचानना है कि पेडिग्री ऑटोसोमल है सेक्स क्रोमोसोम। तो सबसे पहले ये देखो, सर्कल फीमेल होती है, स्क्वायर मेल होता है, और फीमेल देखिए शेयर्ड है तो डिजीज है, तो डिजीज डिजीज फीमेल है यानी माँ बीमार है, ये माँ है क्योंकि सर्कल फीमेल होती है, इसकी मेटिंग हुई है मेल से, माँ बीमार है तो कौन बीमार होगा, बेटा। ये देखो बेटा बीमार है यानी मुझे लग रहा है क्रिस क्रॉस हो रहा है, लेकिन दूसरा जो बेटा ये देखो ये बीमार नहीं है। हमने क्या बोला, माँ बीमार तो सारे बेटे बीमार होना चाहिए, ये देखो एक बीमार एक नहीं है, मतलब तुरंत पता चल गया क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं हो रहा है। अगर क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं हो रहा है, अगर क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिक ही ऑटोसोमल है, कहीं से भी फॉलो कर लो। हमने कहा ये देखो ये बेटी है कि बेटा, कमेंट सेक्शन में जवाब दो, बेटी बीमार है। बेटी कब बीमार होती है, कौन बीमार होना चाहिए, बाप बीमार होना चाहिए, बाप नॉर्मल है, ये तो बीमार है, क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर हमने प्रूव किया कि जो पेडिग्री है वो क्या है, ऑटोसोमल है। यार किसी भी लेवल पे उठा लो, ये देखो ये बेटी है ना, बीमार है कि नहीं है, बीमार है, ठीक, बाप बीमार होना चाहिए, नहीं है। देखो बेटी कब बीमार होगी, जब बाप बीमार होना चाहिए। देखो असल में क्या होता है कि पेडिग्री का हवा बना देते हैं लोग, असली तरीका जानते नहीं है, है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा, ये पेडिग्री वो पेडिग्री, क्या घंटा पेडिग्री, बस एक ही चीज देखना है, क्या कि क्रिस क्रॉस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्रिस क्रॉस फॉलो हो रहा है तो क्या है, सेक्सली, और नहीं हो रहा है तो क्या है, ऑटोसोमल। ये देख लो ये दी गई पेडिग्री कैसी है, ये देखो ऑटोसोमल। हमने कहा चुपचाप एफ टू में देखो, इधर देखो एफ टू में, ये देखो बेटी है और बेटियों के लिए क्या बताते डोमिनेंट, तो पेडिग्री कैसी होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक सेकंड में लगेगा देख के। बाहर में जाए चुपचाप किसी को पकड़ लो, ये देखो ये बेटा बीमार है ना, कौन बीमार होनी चाहिए, माँ, माँ बीमार नहीं है, बेटा बीमार है, ऐसी क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है। ये देखो बेटी बीमार है, बाप बीमार होना चाहिए, है नहीं है, यानी ये भी पेडिग्री क्या है, ऑटोसोमल। भाई साहब नो हिट एंड ट्राई, डायरेक्ट हिट करिए क्वेश्चन, क्या कि बेटी तब बीमार होगी जब कौन बीमार होगा, फादर, फादर बीमार है, बेटी बीमार है, क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं हो रहा है ये भी ऑटोसोमल है, ये देखो देख लो ये भी क्या बी, ये भी क्या ऑटोसोमल, और इसे देखो बेटी बीमारी नहीं है, बेटा है, और बेटा तो क्या होगा, रिसेसिव, ज्यादातर बीमारियां रिसेसिव होती हैं। यानी कोई भी पेडिग्री आप एक सेकंड में देख के लगा सकते हो कि ये सेक्स लिंक है कि ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है ना। बट दो बीमारी याद रखना, एमडी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल होता है उसका प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है ना। चलिए अच्छा, अगर क्या होता, अगर इसमें से दोनों बीमार होते मेल फीमेल, तब तुमको यह देखना होता है मोस्ट प्रोजनी बीमार, किसम प्रोजनी, अगर ज्यादातर प्रोजनी बीमार है तो क्या होगा, डोमिनेंट, अगर सम प्रोजनी बीमार है तो क्या होगा, रिसेसिव। तो और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अरे यार तुम लोग है ना, छोटे बच्चों वाला एग्जाम होता है प्लस टू के लेवल का, ये जो तरीका बताया तुमको ये तरीका हर जगह लागू होता है। चलिए एनी डाउट, मनीष बहुत अच्छा तरीका, अरे यही तरीका ही है, बेस्ट तरीका है बेटा, कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा देख के, चलो एकदम मजा आ जाएगा। और कोई, एक सेकंड में देखो, तुम्हें बायो में किसी भी कोचिंग, किसी भी किताब, कोई भी सवाल हो, आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑन अ लाइव प्लेटफॉर्म, ये नहीं कल बताऊंगा, तुरंत पेस्ट करिए, डिटेल सोल्यूशन लीजिए और बताइए। तो इसीलिए जब इस तरह की क्लास रखा करें तो उसमें आप लोग क्वेश्चंस पहले से ही लिख के रखा करिए, ठीक है। अगर मजा आ गया हो तो जरा सब लोग थम्सअप बना दीजिए, मेरा भी उत्साहवर्धन करिए। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हाँ बेटा उसी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, दिस इज प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। विनय मेरे पास आपकी बुक है, अच्छा है बेटा, वेरी गुड। चलिए बुक पढ़ते भी हो कि रखे हो केवल, पढ़ा करो। चलो कुमार गौरव उत्कर्ष, चलिए और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। वैसे हाँ आप लोग 1 जुलाई वाला सेशन
प्लीज बहुत सीरियसली लीजिएगा। 1 जुलाई से अगर देखिए आप लोग भी इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हमें भी मजा आएगा कराने में, क्योंकि मुझे भी तो लगे कि जहां हम समय दे रहे हैं वो बच्चे वाकई में कुछ करना चाहते हैं, वो बच्चे वाकई में सीरियस हैं। चलो ज्योति, उत्कर्ष, कुमार, अंजलि, मनीष, मुस्कान, निष्ठा, हर्षित, चलो हमें क्वेश्चन पूछे बताओगे? मुस्कान सिंह, आर्काइव एंड हॉर्लिक्स दोनों है सर 11th और 12th की। वेरी गुड मुस्कान। जिस बच्चे ने आर्काइव लगा लिया उसकी बायो एकदम बंदास हो जाएगी। विनय कुमार कह रहा है सर पढ़ते हैं, बुक का नाम हॉर्लिक्स है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन। चलो भाई पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा एक क्वेश्चन इसे पेडिग्री से, या तो ये आएगा तो ये आएगा, पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? सर एक क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही के लिए तो है। चलिए अब सेशन को खत्म करते हैं हम लोग। बिल्कुल हर्षित तिवारी कहता है पहचान लेंगे, पहचानना पड़ेगा। चलिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना के सेशन को खत्म करता हूं। जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो, और पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। फिर डर का है, फिर अकेलापन की। जरा गौर से सुनिएगा, जिंदगी में कोई ऐसा मतलब दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं, और ब्रह्मांड में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। गौतम बुद्ध की धरती से हूं, बुद्ध वाली भाषा ही समझाते हैं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जो है टहलते टहलते जंगल में चला गया, और जाते जाते जब जंगल में जाता है तो उसने देखा एक जो है लोमड़ी जो है जिसका पैर टूट गया है और बैठी हुई है किनारे, पैर है ही नहीं उसका, कट गया पैर किसी तरीके से, बट वो जिंदा है। बट वो बौद्ध भिक्षु उस लोमड़ी को देख के ताजुब खाता है कि यह लोमड़ी इतनी हृष्ट पृष्ट कैसी है, एकदम मोटी ताजी, एकदम दबंग। उसने सोचा साला इसको भोजन कहां से आता है। तब तक खूब तेज एक पेड़ हिलने लगे, पेड़ों पे बानर इधर से उधर दौड़ने लगे भयंकर। ऐसे हालात तब होते हैं जब जंगल का राजा शेर कहीं से आ रहा होता है। बहुत भिक्षु को लगा गुरु फंस गए, पता चला लोमड़ी देख के मजा ले रहे थे और ये सोच रहे थे कि लोमड़ी का पैर है ही नहीं, कहां से खाती है, इतनी हेल्दी कैसे है। और बहुत भिक्षु भागे तो क्या करे, वो भाग ही नहीं पाएगा, से खा जाए। तो वो क्या किया, बैद भिक्षु तुरंत चढ़ के पेड़ पे छुप गया। जब पेड़ पे चढ़ के छुप गया तो क्या हुआ, शेर आया, बिल्कुल एक क्या है हिरन को मारते हुए शिकार करके लेके आया था, और उसने क्या किया हिरन की बॉडी में से एक टुकड़ा उस लोमड़ी को दे दिया। क्यों? क्योंकि लोमड़ी चल नहीं पा रही थी। बौद्ध भिक्षु पेड़ के ऊपर से सारी नजारा देख रहा था, उसको लगा यार ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो खाना भी देगा, आज नहीं तो कल देगा, बट देगा जरूर। पता है उसने कहा क्या ये रोज खाना देता है। शेर चला गया, फिर वो बहुत बिच्छू उतर के भाग गया घर। फिर दूसरे दिन आया, फिर वही कहानी रिपीट हुई, फिर उस लोमड़ी को खाना मिला। अब उसको ये आश्वस्त हो गया कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, अब मैं घर बैठूंगा। अब बॉल भिक्षु उपदेश देना बंद करके घर में चुपचाप बैठ गया। भाई साहब एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, दो हफ्ता बीता, अब दो हफ्ते के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि उस चल भी नहीं पा रहा था, तो भिक्षा भी मांगने लायक नहीं बचा। अब वो भगवान को गरियाने लगा, क्या भगवान बड़ा कमीना, भगवान है ही नहीं, ये है ऐसी है दुनिया, ये है दुनिया वैसी है ऐसी है। तो पता है अचानक गौतम बुद्ध आए, और आने के बाद क्या कहा बुद्ध ने,
कि तुमसे बड़ा निहायती बेवकूफ इंसान दुनिया में कुछ नहीं है। वो लोमड़ी थी और तुम इंसान हो, वो लोमड़ी थी और तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। हो सकता है कि ऊपर वाला चाहता था कि तुम शेर बनो और तुम लोमड़ी की तमन्ना रखते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से कभी कभी जिंदगी में मेहनत कर रहे होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चीजें साथ नहीं देती है क्योंकि कुदरत हमसे कुछ और कराना चाहती है। हम यहां पहुंचना चाहते थे लेकिन कुदरत हमें यहां ले जाना चाहती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सोच लीजिए, अगर आपके मन का हो, अगर कोई भी चीज तुम्हारे मन का हो रहा है तो मजा आ रहा है, लेकिन अगर कोई घटना तुम्हारे मन की नहीं हो रही है तो ऊपर वाले की मन की हो रही है, और तुम ऊपर वाले से बड़े न थे न होगे। इसीलिए जहां कहीं भी रहे खुश रहे। ऊपर वाला यानी परमात्मा का अंश आपके बॉडी में है, यानी आप अपने आप को दुखी करते हैं तो आप परमात्मा को दुखी देते हैं, परमात्मा को अपमान करते हैं। तो इसीलिए जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, आप अपने को खुशी दीजिए और बैलेंस रहिए और चीजों को फेस करने की कोशिश करिए कि ऊपर वाला ने अगर जन्म दिया है तो कोई मकसद होगा। यहां हर बंदा अपनी एक पर्सनल स्टोरी में स्ट्रगल कर रहा है, उस पर्सनल मूवी का वो एक किरदार ही नहीं, उसका एक हीरो है जिसके आगे पीछे कहानियां चल रही हैं, है ना। तो उस समय खुद के भावनाओं को संभाल करके अपने समय को बेहतर इस्तेमाल करिए और हर पल जिंदा रहिए, है ना। ऋतिक कह रहे हैं, लव साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल, क्लोजर ऑफ एबी वॉल, आंसर टू है, मेक दिस क्लियर। पहली बात, ये जो लव होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, दिस इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन अपना, दूसरा ऑप्शन, दोनों एक ही है। जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया है उसको ये ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ये मिस्टेक है। आपकी कोई गलती नहीं है बेटा। क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल कोई, ये भी तो ये भी वॉल है, दोनों ऑप्शन सेम है, वन एंड टू। एक क्वेश्चन बनाने वाले का मिस्टेक है ना, आपकी कोई गलती नहीं है, यू आर राइट। ऐसे सवाल आपके नीट में नहीं पूछे जाएंगे। अगर किसी अनसॉल्व से लगाया है आपने तो ये मेमोरी बेस्ड सवाल है और उसमें मिस्टेक हो जाता है। तो आप अपने पर्सनालिटी का बफर स्ट्रांग रखिए, अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहिए। हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड लव है, याद रखिएगा। और ये क्लोजर आप बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों होगा, ए बी वॉल, ठीक है। समानता नॉट ओनली बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, क्योंकि ये नहीं होगा कि हार्ट का लेफ्ट साइड अलग काम करेगा, राइट साइड अलग, नहीं, सिंक्रोनाइज काम करता है। एक साथ दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ दोनों वेंट्रिकल रिलैक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सिस्टोल और डायस्टोल बिल्कुल सिंक्रोनाइज फैशन में होगा ताकि हार्ट अपने शेप को मेंटेन रखे, है ना। अब्दुल भाई थैंक यू। तो ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए, ऊपर वाला ये भी नहीं कहता है कि घर पे बैठे रहिए चुपचाप, नहीं, मेहनत करते रहिए। जो समय दिया है अगर उस समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से अपमान है। अगर सो के काटना है जिंदगी तो कीड़े मकोड़ों की भांति क्या जीना है यार।